पर टक्कर जो है बीजेपी के साथ हुआ था, क्या इस बार भी वही माहौल? टक्कर नहीं है, इस बार हम लोग जीतेंगे लाखों वोट से। कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ हम लोग के यहाँ मोदी वोदी कुछ लहर नहीं है, हम लोग के यहाँ है सिर्फ कल्चरण सिंह मुंडा का। से लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों में जो है तैयारी चल रही है। अभी हम जो है खूंटी लोकसभा के अंदर है। खूंटी लोकसभा में जिस तरह से चुनावी मुद्दा को देखा जाए तो तमाम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। खूंटी लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ पे कालीचरण मुंडा और अर्जुन मुंडा में कांटे की टक्कर पिछले बार भी देखा गया था, इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। हम सीधे तौर पर जो है प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले जोहार, बोलिए क्या किस तरह से आप लोग का तैयारियां चल रहा है? लगातार आप लोग जन जागरण कर रहे हैं, आप देखिए रहे हैं किस तरह से हो रहा है। पिछले बार जिस तरह से आपका टक्कर जो है बीजेपी के साथ हुआ था, क्या इस बार भी वही माहौल? टक्कर नहीं है, इस बार हम लोग जीतेंगे लाखों वोट से जीतेंगे। अच्छा सर, जानना चाहते हैं लोग कि किन किन मुद्दों के साथ आप लड़ रहे हैं? मैनिफेस्टो तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपके लोकसभा क्षेत्र में किस तरह का काम होगा? और घोषणा पत्र देख लीजिए, उसी मुद्दों पर लेके चल रहे हैं। तमाम समर्थक जो हैं आपके साथ जुड़ रहे हैं, जिस तरह से आप पैदल मार्च करते हुए लगातार लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कितना प्रचार प्रसार हो पाया? इंडिया गठबंधन का सब जगह प्रचार हो रहा, सब जगह वर्कर लोग लगे हुए हैं। क्या लगता है इस बार कितना वोटों से, जिस तरह से पिछले बार की अगर लाखों वोटों से जीतेगा? लाखों वोटों से जी। तमाम समर्थकों को आपके लोकसभा सीट में क्या संदेश रहेगा? सब संदेश है कि अच्छा काम करेंगे हम लोग, देश के लिए काम करेंगे, क्षेत्र के लिए काम करेंगे। सर, एक चीज विशेष सवाल की तमाम विधानसभा में क्या ऐसा समस्या देखते हैं जो लोगों के बीच आप जा रहे हैं तो इस चीज को रखें? आज ही दिखा दिया है, 5 सूत्री काम है। चलिए, आवेदन भी ले लिया हूँ, देख लिया हूँ, हम लोग प्रयास करेंगे। और तमाम जो बीजेपी के जो लोग हैं वो आपसे कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार जब मोदी जी का वोट मांगने जब आते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आप लोग को नहीं चलने को है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग हैं, इनसे जानने का पहले क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा लखरा मुंडा नाम है। क्या लगता है नेताजी के साथ घूम रहे, किस तरह का माहौल बना पाए हैं? आप तो माहौल देखिए रहे हैं, कैसा है माहौल आप तो बताइए, आप कैसा माहौल है, कैसा लगेगा आप इसी विधानसभा के अंदर? आपने क्या जी? इस विधानसभा के ही है ना? हाँ, इस विधानसभा के ही है। इस बार मतलब अर्जुन मुंडा को अगर हराना है तो क्या ऐसा फैक्टर काम आएगा इस लोकसभा में? देखिए रहे हैं इस लोकसभा में कितना आपके समस्या का निदान नहीं हुआ है 5 साल के कार्यकाल? नहीं हुआ है, कोई भी देख रहे हैं कोई भी हुआ है आज तक? कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? उमेश सिंह मुंडा। क्या लगता है कि आपका नेताजी का जिस तरह से अपार समर्थन मिल रहा है, किस तरह का जीत होगा आप लोग का? इस पर एकदम पूरा बहुमत के साथ हमारा जीत होगा, एकदम बम्पर जीत होगी। कन्फर्म जीत? हाँ, मोदी के लहर में जो है कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ हम लोग के यहाँ मोदी वोदी कुछ लहर नहीं है, हम लोग के यहाँ है सिर्फ कल्चरण सिंह मुंडा का लहर है और किसी का लहर नहीं है। अच्छा, पिछले बार महज अगर कालीचरण मुंडा जी की बात करें 1400 कुछ वोटों से जो है थोड़ा सा हार हुआ था, इस बार कितना वोटों से जीत हासिल करने का सोच रहे हैं आप लोग? इस बार हम लोग उसे डबल नहीं करेंगे, 1 लाख अंतर से हराने का ही कर। 1 लाख अंतर से हरा दीजिएगा? हाँ, हरा देंगे। चलिए, और भी लोग हैं इससे जवान। क्या नाम हुआ सर? अनंत सिंह मुंडा। क्या लगता है इस बार इस लोकसभा चुनाव में जो है यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का ही कुछ बोलबाला ज्यादा ही दिख रहा है, लेकिन क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस का ही निश्चित जीत है? एकदम निश्चित जीत है और सरकार भी बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो तमाम लोग जो है ये सोच रहे हैं कि इस बार जो है कांग्रेस का ही जीत होगा, हालांकि यहाँ पे 13 मई को जो है चुनाव है और चुनाव के बाद देखा जाएगा कि क्या लगता है। तमाम लोग जो है इन लोग जन जागरण कर रहे हैं, कुछ दीदी लोग हैं इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? बिरोला मुंडा। क्या लगता है लोकसभा में किस तरह का माहौल है? आप लोग तो नेताजी के साथ घूम रहे हैं 5 साल के दरमियान। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अच्छा, 5 साल में काम नहीं हुआ क्या जो सिटिंग सांसद है? नहीं हुआ। क्या कहिए? हाँ बोलिए। हाँ, क्या लगता है कि इस बार बीजेपी को कैसे हम बहुत वोट एकदम से पराजित हो गए हमारे कालीचरण मुंडा जी, एकदम जीत हो गए। अभी कहाँ आप किसी विधानसभा के हैं? हम तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के। मेरा नाम शंकर महतो, ग्राम पालना है मल्लान मुहियाड़ी पंचायत। मतलब पिछले बार जो है 1400 कुछ वोटों से कालीचरण मुंडा जी जो है हार का सामना किए थे, इस बार कितना वोटों से जीतने का आशंका है? इसमें कोई गिनती का कोई ये नहीं है, कितना वोट से आगे तो जीत होगा जीत आप ही लोग का तय है? हाँ, हम ही लोग का तय है। क्या लगता है भैया कह रहे हैं जीत हम ही लोग का तय है, मतलब कालीचरण मुंडा जी का, क्या सच है ये? जी जी सर, भारी बच्चे जितने वाले हैं
अब मोदी जी के देख के लोग वोट करते हैं, इस बार क्या क्या काम नहीं आएगा वो सब? नहीं बदलाव बदलाव चाहते हैं हम लोग, नहीं होगा नहीं बदलाव। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों से हम बातें करने की कोशिश की तो देखने को मिला कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के समर्थक जो हैं उनके पीछे पीछे जो है जा रहे हैं और वोट में भारी मतों से जीत हासिल करने की बात कर रहे हैं। बकायदा देखने लायक बात होगा, 13 मई को चुनाव है, उसके बाद क्या कुछ नतीजा सामने आता है। पिछले बार का नतीजा तो हमने देख लिया था, बिल्कुल कांटे का टक्कर था। इस बार क्या कुछ होगा ये सारी चीज़ों को रखेंगे, बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार। अभी हम जो है मुठी लोकसभा के अंदर तमाड़ विधानसभा में तमाड़ क्षेत्र में थे, बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।